आप लोगों ने अभी जो काम किया वो तो बाकी में कभी नहीं करेगा, सबसे आप लोगों ने बहुत सही किया करके ट्रेन तो चला दी, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन आप लोग क्या सोच रहे थे? मतलब ये जैसे कि बार बार इस तरीके का नाम हो उसको परमानेंट, ये जो जगह हाँ उसका परमानेंट, उसका परमानेंट सॉल्यूशन है। देखिए परमानेंट सॉल्यूशन ये हर जगह का जो है बताएंगे चीफ रीजन, जैसे ये वाला स्ट्रेच है जो 100 मीटर का, इसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ साइड में एक वायडक्ट बनाएंगे 100 मीटर एक पुल बना देना, जो सिंकिंग एरिया है उसको हम लोग अवॉइड करके पुल बना देंगे, तो उधर ऊपर कटिंग पे लेके आएंगे। उसका हमने प्रपोजल भी एक बना लिया है, उसके फिजिबिलिटी क्या है वो चेक कर रहे हैं, और हम लोग उसको 2-1 साल के अंदर वो बना देंगे, ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए दूर हो जाए, जो आज हम लोग 2-4 साल में जो फेस करते रहते हैं, तो उसके बाद में 100 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। प्रपोजल पास हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं, हम फिजिबिलिटी अभी चेक कर रहे हैं। जो 3 पैसेंजर आपको बाकी है, चार नहीं, ये इफेंट बट्स के ऊपर तो कोई ये नहीं है, वो चार का हम बता रहे हैं, वो चार अगर बारिश नहीं होता है तो हम लोग वो चार को अगले 3-4 दिनों में पैसेंजर को तो चला देंगे, लेकिन गुड्स ट्रेन जो है, गुड्स ट्रेन इसलिए नहीं चला रहे हैं कि गुड्स ट्रेन का एक्सेल लोड ज्यादा होता है, हेवी होता है, तो उसको चलाने से फिर जो ट्रैक है हम उसका एक बार चलाएंगे उसको भी, लेकिन जल्दी चलाएंगे, कुछ दिनों के अंदर, हो सकता है 3-4 दिन मौसम के मिजाज के ऊपर देख करके गुड्स ट्रेन भी चलाएंगे, और एक बार चलने लगेगा तो वो फिर एक नॉर्मल वे में चलेगा। लेकिन सबसे मेरा जो यात्री सुरक्षा को लेकर के कंसर्न है, हम चाह रहे हैं कि ट्रेनें यहाँ पे दिन में ही क्रॉस करें, गुड्स ट्रेन फिर रात में चलाएंगे, हम लोग उसका सारी चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि ये तो मौसम को कोई भी नहीं जानता है, और देख रहे हैं आपकी ग्लोबल वार्मिंग है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम बारिश, ये सब हो रहा है। 2-3 दिन हाँ, तो हम लोग उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं ऐसा तो ऐसा अभी हमने ऑब्जर्व नहीं किया, अभी